हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के बारे में। अभी एक सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन जो है उसको कैसे क्लीन करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को फिर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसके अंदर आपको फ्लेवर बना के डालना है, पूरा बताएंगे। तो देखिए, ये जो है पूरा उसका हेड रहता है ये, ठीक है। ये सारे इसको डीप क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। अभी डीप क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, ये यूज़ किया हुआ है मशीन हमने और इसको डीप क्लीनिंग प्रोसेस है ये। अभी हर चीज़ को जो अच्छे से क्लीन करना है। ये टूथब्रश है उससे क्लीन करना है, क्योंकि अगर ये आपका सपोज समझो कि बहुत दिन हो गए, देखिए देखिए ये ना आप देख रहे हो, देखिए ये इसका वाइसर है, यहाँ से होके आइसक्रीम जाता है तो फिर ये सब चीज़ें कैसी चिकनी हो जाती है। तो इस तरीके से हम डालेंगे, लो एक एक करके सब चीज़ को। ये अभी हम फॉग डाल रहे हैं, इसमें डाल सकते हैं, वादा नहीं है। फिर अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे तो क्या क्लीनिंग प्रॉपर हो जाएगा, स्मेल नहीं रहनी चाहिए। अगर पुराना माल है उसकी कोई गंदगी या स्मेल रहेगी ना तो वो बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Thank you.
फिर देखिए सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है गोल्डन में, जो SS कंपनी का है। यहाँ पर आपको जो है ऑटो का, क्लीनिंग का, स्टॉप का, यहाँ पर कूल का, सेटिंग का, पफ का और जाम का ऑप्शन मिल जाता है। ये सॉफ्टी है जो कॉम्बो में मिक्स है, सेपरेट आपको निकाल के बता देता हूं मैं। ये कौन की जो कॉस्टिंग रहेगी वो अप्रोक्स आपको 8 रुपए रहेगी और ये सेल हो सकता है आपका इजीली 20 रुपए में। ये हार्डनेस है देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी सॉफ्टी आइसक्रीम निकलेगा इसमें से। देखिए आप यहां पर जो है आपको प्रोडक्ट को डाल दे रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म के और पाउडर फॉर्म में रहता है, प्रीमिक्स पाउडर में, दूध और प्रीमिक्स पाउडर दोनों को मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, इसमें आपको प्री कूलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऑपर जो उसमें भी आपका कूलिंग आता है, जिससे आपका जो मिल्क रहता है, जो रॉ मटेरियल लेता है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है। ठीक है, अगर उसमें टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है एक में वेनिला डाल सकते हैं, दूसरे में चॉकलेट डाल सकते हैं, बीच में से आपका कॉम्बो निकल जाएगा। ये पूरी पीछे से जो है स्टेनलेस स्टील का पूरा बॉडी रहता है। यहाँ पर जो आपको कंप्रेसर मिल जाता है बड़ा वाला, जो आपके चैम्बर के अंदर कूलिंग देता है। यहाँ पर आपको एक छोटा वाला कंप्रेसर मिल जाता है जो आपको हॉपर के अंदर कूलिंग देता है। तो इस टाइप की बढ़िया क्वालिटी की सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन परचेस कर सकते हैं आप हमारी कंपनी के पास से। दोस्तों इसको एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है इस मशीन को, है पावर। पावर के माध्यम से मशीन जो ऑपरेट होती है, पावर इसका जो है ना आपको 230 ही देना है। अब इससे ज़्यादा होता है, इससे कम होता है, बार बार कम ज़्यादा होता है, तो भी ये मशीन जो है उसके कंप्रेसर सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, उसके वजह से जो है वो ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप का मतलब ये होता है कि फिर जो है वो आपका कंप्रेसर जो है कुछ समय के लिए कूलिंग नहीं करेगा, फिर दोबारा स्थिर पावर मिलने पर वो कूलिंग करना शुरू करेगा। तो हम जो है आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है इसको पावर जो है स्थिर दीजिए। अगर आपके वहाँ पर प्रॉपर स्थिर पावर नहीं आता तो आप एक स्टेबिलाइजर खरीद लीजिए, स्टेबिलाइजर लगा कर अब उसको चलाइए। अब स्टेबिलाइजर कौन सा वापरना है, किस तरीके का वापरना है, वो आपको लाइट वाला गाइड कर सकते हैं आपके वहाँ पर कितना पावर कम ज़्यादा होता है उसके हिसाब से। आप अगर समझिए कि आपके वहाँ पर जो है पावर 170 हो जाता है, 180 हो जाता है, फिर डायरेक्ट 230 हो जाता है, तो उस हिसाब से कस्टमाइज स्टेबिलाइजर बनवाना होगा सर आपके लिए। तो उसका ध्यान रखिए, आप पावर इसको स्थिर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि रॉ मटेरियल दूध है। अब दूध जो है आपने कब का बनाया हुआ डाला है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है इसकी एक्सपायर डेट। आप कहेंगे कि सर मैंने माल डाला, मेरा 4 घंटे में ख़राब हो गया, तो सर वो दूध आपका कब खराब होगा उसका एक्सपायर डेट तो कैसे पता चलेगा हमें? हम तो ये कहते हैं कि ये मशीन का काम ठंडा करना है, आइसक्रीम बनाना है। अब उसके अंदर उसका ऐसा कोई काम नहीं है कि आपके दूध की लाइफ को लॉन्ग कर सके, ना ऐसे कोई केमिकल्स इसमें डले हुए हैं, ना ऐसी कोई प्रोसेसिंग इसमें है। आप अपने दूध को फ्रेश दूध यूज़ कीजिए तो मेरे हिसाब से 2 दिन तक 3 दिन तक भी चल सकता है। दूध आपने थैली का लिया हुआ है और थैली के दूध ही जो है वो पुराना है, या तो फिर वो हीटिंग खा के आ गया है। हीटिंग खा के क्या है ना, वो दूध वाले भैया जिसको दूध बेचना था उसने दूध के कैरेट को बाहर रख दिया 1-1.5 घंटे के लिए शायद किसी कारण से, फिर उन्होंने फ्रिज में रखा तो ऑलरेडी उसकी लाइफ जो है कम हो चुकी थी। फिर आप दूध लेके आए, आपने माल बनाया और आपने डाला और डालते ही आपका 4 घंटे में फट गया दूध। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मशीन में प्रॉब्लम है। मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, मशीन किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं डालती, मशीन भी किसी भी प्रकार के दूध को आपको फाड़ने का या उसको लॉन्ग टाइम तक उसकी लाइफ को बढ़ाने का काम नहीं करती है। मशीन यहाँ पर ऊपर जो है हॉपर जो है ठंडा रखती है और नीचे जो है वो आइसक्रीम जमाती है चैम्बर में, है ना, और उसको हार्ड करती है। उसका बस यही प्रोसेस है, उसका काम यही है। तो आप जो अच्छी क्वालिटी का दूध यूज़ कीजिए और आप फ्रेश दूध यूज़ कीजिए, आपका जो है माल 2-3 दिन तक इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और वो भी डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। देखिए अब मैं आपको बताऊँ, ये जो हॉपर होता है ना उसके अंदर जो ये आपको अंदर की जो लाइनें दी जाती है ना ठंडा करने की, वो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए दी जाती है। अगर आप कहें कि सर इसका टेम्परेचर आप क्यों ज़्यादा डाउन नहीं करते, ज़्यादा डाउन करेंगे तो बर्फ़ जम जाएगा सर, बर्फ़ जम जाएगा तो अंदर लिक्विड जाएगा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बर्फ़ बन गया है, तो फिर आपका यहाँ से माल निकल जाएगा, ऊपर माल होगा फिर भी वो नीचे नहीं आएगा तो बाहर आइसक्रीम तो निकलेगी नहीं। आइसक्रीम जमाने का जो प्रोसेस है वो इसको चैम्बर बोलते हैं, चैम्बर। ये जो है ना यहाँ अभी आपको दिखाया था जो होल वाले गोल गोल, उसके अंदर आइसक्रीम बनता है आपका। और यहाँ पर सिर्फ आपका मिल्क प्रोडक्ट है, जो आपका रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, प्रीमिक्स पाउडर और दूध। प्रीमिक्स पाउडर और दूध को ये देखिए चारों कोनों से ठंडा कर रहा है। देखिए आप, ये चारों बाजू से ठंडा कर रहा है,
अब ये बीच में से ठंडा नहीं कर सकेगा, टेम्परेचर उसका अलग होगा, चारों कानों का टेम्परेचर अलग है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये काले ढक्कन ढक्कन लगे होने के बावजूद भी जो है वो आपका माल खराब हो सकता है ना। लेकिन आपका ऐसा कीजिए, थोड़ी देर में थोड़ा इसको चम्मच से हिला दीजिए तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई हिलाने की सिस्टम नहीं है। या तो अपने मशीन के अंदर कंटिन्यू जो है ना पफ मोड को आप ऑन रखिए, ये पफ मोड है, और ताकि वो हिलता रहे अंदर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए ये पम्प मोड ऑन करते ही माल के अंदर जो है बबल्स ऐड होना शुरू हो जाता है, एयर मिक्स होती है इसके अंदर। अब एयर मिक्स होगी तो अच्छा है आपके लिए, आपका कोन जो है उसके अंदर आपका माल जाएगा 50 ग्राम, और उसका जो सॉफ्टनेस जो लगेगी कोन ऐसा लगेगा कि जैसे 70 ग्राम का है। अब इसमें मसला दिखलावे का नहीं है, ये है बात के सॉफ्ट लगेगा। सॉफ्टी आइसक्रीम का मीनिंग यही होता है कि वो ऐसा खाते तो सॉफ्ट लगता है ना, जिसके दांत नहीं होते वो भी खा लेता है इसको, है ना। तो ये अच्छी बात है इसकी, तो इस तरीके से एयर वाला होता है तो मज़ा आता है खाने में, अच्छा फील होता है। तो ये पफ का बटन जो है उसको ऑन रखिए ताकि पफ अंदर मिक्स होता रहे। पफ का मीनिंग ये है कि एयर, एयर हवा, हवा बबल्स, हवा बबल्स अंदर जो है वो मिक्स होते रहेंगे सर आपके, ठीक है। तो इस तरीके से चलाएंगे तो बढ़िया चलेगा, अच्छे ग्राउंड वाले एरिया में लगाइए जहाँ पर भीड़ होती है। ये बिजनेस जो है वो रनिंग चलता रहेगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो ऐसा लोकेशन ढूंढिए जहाँ पर आपका बिजनेस ग्रोथ करे, चले, है ना। अच्छा लोकेशन पे लगाइए और अच्छा बिजनेस कीजिए और क्लीनिंग कीजिए, हाइजीनिक रहेगा तो ही। जब भी आपका दूध खराब हो गया है ना, समझिए कि अब आपको जो इसका कंपलसरी डीप क्लीनिंग आपको रिक्वायरमेंट हो गया, अब आपको डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। अगर एक भी जगह पर फटा हुआ दूध आपका रह गया अंदर की साइड में मशीन में, तो फिर आपका नए दूध को फाड़ देगा, है ना। दोबारा आपका जो है खर्चा हो जाएगा, आपका माल पूरा खराब हो जाएगा। तो ऐसा गर्म पानी का जो किटली रहता है वो लीजिए, जो अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 1000 रुपये के आसपास, गर्म पानी करके डालिए। और ये नॉर्मल क्लीनिंग बता रहा हूँ, और ये क्लीन का बटन दबाइए और पूरा पानी निकाल दीजिए। उसके बाद ये चारों स्क्रू को खोल के जो आगे प्रोसेस दिखाई गई है, उस प्रोसेस के हिसाब से आप अपनी मशीन को डीप क्लीनिंग कीजिए और चलाइए, ठीक है दोस्तों। तो और कोई आप अगर सुझाव मांगना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप और जानकारी डीपली जान सके और अपनी मशीन को और अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।